हाल ही में संजय बारू ने अपनी बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिलीज की और इसमें उन्होंने सोनिया गांधी को सुपर प्राइम मिनिस्टर बताया है। पर अगर ये टर्म समझने में आपको कोई परेशानी हो रही है तो मित्रों ये समझाने के लिए मोदी जी है ना प्रधानमंत्री जैसे कल किताब आई मुंडी नीची करके साइन कर देते। मोदी जी भी कोई मौका नहीं छोड़ते, मगर दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने कहा है कि दरअसल सुपर प्राइम मिनिस्टर तो मनमोहन सिंह जी हैं। मनमोहन सिंह जी हैज बीन अ सुपर प्राइम मिनिस्टर। ये देखिए कहां तो हम पिछले 10 सालों से यूपीए में एक स्ट्रॉन्ग लीडर तलाश कर रहे थे और पता चला कि यहां एक नहीं बल्कि दो दो स्ट्रॉन्ग सुपर हीरोज बैठे हैं। मनमोहन जी, सोनिया जी, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं, छुपने छुपाने का टाइम निकल गया। अब समय है कि आप खुलकर सबके सामने अपना असली रूप दिखाई दीजिए। अब जब पार्टी के बड़े बुजुर्ग ही सातवें आसमान पर हैं, वेल क्वाइट लिटरली, तो नन्हे मुन्नों को भी कुछ तो कर्तव्य दिखाने होंगे ना। लेकिन एक बात समझ नहीं आई मोदी जी, इसमें ईर्ष्या की क्या बात है? हाँ शहजादे जी एक मोटरसाइकिल पर घूमने लगे, धूमती, चोरी का मोटरसाइकिल था, शहजादे सवार थे, लेकिन इस बार उनका तीसरा धूमथी होने वाला नहीं है। राहुल बाबा, क्यों आप बेचारे अभिषेक और उदय चोपड़ा की पंचवर्षीय योजना को भी हथिया लेना चाहते हैं? हाँ वैसे राहुल बाबा फूल, मेरा मतलब है सिर्फ फूल बरसाते हैं। ये देखिए हम ऐसी भाषा की प्रयोग नहीं करते, हमारा दूसरा तरीका है, हमारा प्यार का तरीका है। हमको नहीं कुछ समझ, जरा समझाना। बड़ी कमाल का जज्बा है, लेकिन रॉबर्ट ये जज्बा परिवार में क्यों नजर नहीं आता? वहां तो बस वार ही वार। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। सब गंदा है पर धंधा है ये। अब राहुल बाबा भी बखूबी जानते हैं कि ये पॉलिटिक्स है, यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। 5 रुपए की टॉफी आती है, गुजरात में मोदी जी ने 1 रुपए के लिए 1 मीटर जमीन बेची और फिर कहते हैं भैया गुजरात मॉडल। ओहो राहुल बाबा, वाह क्या बहादुरी दिखाई है। पंगा लिया तो वो भी गुजरात पे, अब पंगा लिया है तो काउंटर अटैक तो होना ही था। इस पर मोदी जी ने भी कह ही डाला, मुन्ना ये पॉलिटिक्स की छुई है, बच्चों के खेलने की चीज नहीं, जाओ टॉफी खाओ। मेरी तो उम्र नहीं है कि मैं गुब्बारे से खेलूं, मेरी तो उम्र नहीं है मैं टॉफी के खेल खेलूं। अब 42 साल के नौजवान राहुल को कुछ आदतें तो छोड़नी पड़ेंगी। बस यार, अब राहुल बाबा को छोड़ भी दो, हाथ धोके ही उसके पीछे पड़ गए। अरे पढ़ने से याद आया, क्या पढ़ी बॉस केजरीवाल को? थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। हाँ भाई सोनाक्षी, आपको तो डर नहीं लगता, मगर कोई बेचारे केजू जी से भी खुश है। तो आप कार्यकर्ताओं के उस थप्पड़ मारने वाले को होने के बाद केजरीवाल जी ने उसे माफ कर। अब देखिए वोट पाने के लिए भी क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। लेकिन एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने तो सारी हदें पार कर दी, ये जनाब
बदबूदार 40 जोक्स मारने से भी बाज नहीं आए।